हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एन अमानी और आप देख रहे हैं कोरा बुलेटिन। आज महाराष्ट्र में सत्ता पलट हो गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था फ्लोर टेस्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कल 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कर लिया जाए। ऐसे में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता पलट हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस्तीफा दे चुके हैं और वो एनसीपी में शामिल हो गए हैं। फडणवीस के इस्तीफे का इंतजार है, के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों, अब महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिला है हमारे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से। सारे विधायक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में आ चुके हैं और बीजेपी नाकाम हो गई है सरकार बनाने में। डिप्टी सीएम और सीएम सिर्फ 78 घंटे के रहे थे, यह एक ऐतिहासिक घटना थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजेपी सरकार को लेकर के कमेंट जरूर करें।